एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। तो हम ऑफिस के लिए निकल गए हैं, मतलब रेडी हो रही हो, नहा धो के आ गई हो, पूजा हो गया, पर बारिश हो रहा है। देखिए इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा रुक रही हूँ। और बनायू का तबीयत इतना भी अच्छा नहीं हो रहा, तो मंडे से स्कूल भेजेंगे इसको। अभी हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं, कल का चावल था तो उसी राइस को थोड़ा सा टमाटर का चटनी बना के खा के चले जाएंगे। और भरनाई भी उठ गया है, मैं दिखाती हूँ। भरनाई नमस्ते गरा, इतना हसन अकुमा, गुड बॉय। हाँ हसन, जोर भाल पैसा ने, आप कैसे हो? तुम ठीक हो? दवाई खा रही हो? तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं दिखाती हूँ। तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, एकदम बारिश का मौसम। और मैं मतलब यहाँ से व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को कि हमारा उधर का जो ग्राउंड है उधर भी पानी हो गया है पूरा। और आंगन का तो हमारा हाल ही नहीं है, क्या ही बताओ आप लोगों को। और बनाई को बोल रही हूँ पानी मत खेलो, उसको ऑलरेडी बुखार है। तो देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है, पर बारिश के वजह से एकदम पूरा पानी हो गया। बारिश हो रहा है तो चलिए, आज मैंने चाय भी नहीं पिया, तो पहले हम चाय पीते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी करके हम जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो मैं चाय लेके आ गई हूँ, एकदम इतना बड़ा सा कप में चाय और दो बिस्किट। और चाय पीने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट के बारे में सोचूंगी। और यहाँ से खिड़की से पूरा बाहर का नज़ारा मैं देख रही हूँ। तो चाय के साथ खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने के भी अच्छा लगता है। पूरा बाहर बारिश बारिश हो रहा है देखिए, और यहाँ पे गर्मा गर्म धुआंदार चाय। तो हम अभी चाय को एंजॉय करेंगे दो बिस्किट के साथ। तो मैं चाय एंजॉय कर रही, आप लोगों को पता ही है सुबह के चाय कितना इम्पोर्टेंट होता है। और हर रोज़ तो मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ, कभी कभार खाती हूँ। तो आज ये वाला बिस्किट अच्छा लग रहा है, कल मैंने एक बेकरी से लाया था, तो मतलब अभी हो गया है एक महीना, मैं उसी से ही बिस्किट लाती हूँ हमेशा ऑफिस से आते वक्त। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एकदम नेक्स्ट डे या दो तीन दिन तक भी ये डैम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है बिस्किट। और बिस्किट के साथ चाय भी इंजॉय कर रही हूँ और सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। तो जल्दबाजी करके ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। और मेरा यहाँ पे मैंने टमाटर जो उगाया था, पता नहीं बारिश के वजह से पेड़ का हाल ऐसा हो गया है, बट टमाटर अभी भी यहाँ पे लगे हैं और टमाटर थोड़ा बहुत पक भी गया है। तो मैं सोचूँ आज इस टमाटर का चटनी बनाऊँगी, जो ऑर्गेनिक भी होगा, अच्छा लगेगा। तो बारिश में भीग भीग के दौड़ दौड़ के टमाटर लाने जा रही हूँ मैं। और अच्छा भी लग रहा है, घर का टमाटर है, जो कि ये टमाटर को रोपा भी नहीं था, खुद ब खुद टमाटर उगा था ये वाला टमाटर। तो देखिए बड़ा बड़ा टमाटर चार मैंने यहाँ से मतलब ले रही हूँ, जो कि आज हम बनाएंगे इसका चटनी, टेस्टी चटनी। और मैं मोटी हो गई हूँ ये तो देखिए ही मत आप लोग, वेट लूज़ करेंगे बहुत जल्दी, वेट लूज़ करेंगे। तो देखिए इतना सारा टमाटर, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। और बनायू इंजॉय कर रहे हैं, उसको वैसे भी घर का फ्रूट सब्जी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने जो पेड़ पौधे लगाया था, मतलब फूल गार्डनिंग, ये सब पानी में भीग रहा है बेचारा। तो एलोवेरा भी यहाँ पे लगाया था मैंने। तो मैं सोचूँ इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, स्कूटी रगड़ रगड़ के धोने से अच्छा हम आज थोड़ा सा बारिश में निकाल देते, क्योंकि ग्रेज में था स्कूटी। तो मैं स्कूटी को निकाल रही हूँ बारिश में, ताकि बारिश के वजह से थोड़ा सा स्कूटी भीगे, नहीं तो स्कूटी भी नहीं भीग पाते, ऑफिस में भी इसको अंदर ही रखा करती हूँ। तो थोड़ा सा पानी के वजह से धूल जितना भी है चला जाएगा। सो मैं ये इजी प्रोसेस अपना रही हूँ, आप लोग भी अपनाएं। तो देखिए यहाँ पे घर का टमाटर को पोल रही हूँ, टमाटर की चटनी बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिया है, यहाँ पे मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी। और आज किचन एकदम भयंकर हो रहा है, जो कि मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती किचन। और यहाँ से बाहर का नज़ारा भी देखिए, अभी भी बारिश हो ही रहा है। तो ब्रेकफास्ट जब तक करेंगे तब तक बारिश ख़त्म हो जाएगा, देखिए बारिश ही बारिश अभी भी हो रहा है। तो मेरा फ्राइड राइस हो गया, और एक मिर्ची भी यहाँ पे, बस इसको भी जलाएंगे। और अदरक लहसुन यहाँ पे मैंने कूट के रखा है, बस इसको भी हम जला के इसको भी चटनी बनाएंगे। तो देखिए मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, टमाटर की चटनी और राइस और ऑमलेट। तो मैं इसका एंजॉय करती हूँ। तो मेरा है ब्रेकफास्ट आ गया है, एक ऑमलेट बना लिया मैंने, और वहाँ पे टमाटर की चटनी, जो कल का चावल था राइस उसको ही भून दिया। और खाने के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा ही ख़राब देखती हूँ शायद, पर कोई बात नहीं, खाने का एंजॉय करना चाहिए।
सो ऑफिस में मैं हमेशा थोड़ा सा हैवी खा के जाती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर को खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि हमेशा रात को ईटिंग शो रहता है, तो इसी वजह से मैं एक टाइम मतलब नहीं खाती हूँ। और सुबह कभी रोटी, आज तो चावल था इसीलिए चावल ख़राब हो जाएगा बोल के चावल भी मैंने भून के आज खा लिया हूँ। तो देखिए कितना टेस्टी हो रहा है टमाटर की चटनी, बहुत ही ज़्यादा। तो घर का टमाटर का चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इतना टेस्टी मैं क्या ही बताऊँ। देखिए एकदम बहुत ही ज़्यादा खट्टा है और एकदम घर का जो है ना ऑर्गेनिक वो वाला फील आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो आज का मेरा सिंपल सा ब्लॉग्स कैसा लगा बताइएगा, और लंबा नहीं करो नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और हम फिर से आएंगे अच्छा सा ब्लॉग्स लेके। तब तक हम ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं और दौड़ दौड़ के ऑफिस जाते हैं, क्योंकि बारिश हो रहा है, रेनकोट वगैरह लगा के जाना पड़ेगा, ब्लॉग्स नहीं बना पाएंगे, मोबाइल भीग जाएगा। तो फिर से आएंगे अच्छा सा ब्लॉग्स लेके, तब तक आप लोग खुश रहिए और सेफ रहिए, बाय।